दोस्तों, आपने रामायण की कई सारी कथाएं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको भगवान राम और हनुमान जी के मिलन की कहानी सुना रहे हैं कि कैसे और कहां पर हनुमान जी और प्रभु श्री राम का पहली बार मिलन हुआ था। एक बार हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ही ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहीं ऊंची चोटी पर वानरों के राजा सुग्रीव भी बैठे हुए थे। उन्होंने इन दोनों को देख लिया। उन्होंने सोचा कि ये बाली के भेजे हुए दो योद्धा है जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही आ रहे हैं। दूर से देखने पर ये दोनों बहुत ही बलवान जान पड़ते हैं। डर से कांपते हुए और घबराते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान वह देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही बढ़ चल रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा यह पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों को झुककर प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? यहां की धरती बहुत कठोर है, आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल है, किस कारण से आप यहां घूम रहे हैं, कृपया करके आप बताइए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है और हम उन्हीं को खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र है। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की बातें सुनकर हनुमान जी भावुक हो उठते हैं और वह तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हो? मेरा जन्म तो आपकी ही सेवा के लिए हुआ है। अब आप मुझे अपने पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उसके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी भी उत्साह और प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और सुग्रीव से मिलने के लिए उन्हें ले जाते हैं। इसके बाद सुग्रीव और राम जी की मित्रता होती है। उसके बाद सुग्रीव अपनी सारी समस्या बताते हैं, जिसके बाद भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं और इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो जाता है और भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।